हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम सीएपीएफ पेपर 2 2022 का एग्जाम जो हुआ था उसमें मैं एसे थर्ड के क्वेश्चन के आंसर का डिस्कशन करूंगी। तो जो एसे थर्ड है 2022 एग्जाम का वो है द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मेरे राइटिंग सेक्शन के बुक में भी मिलेगा, तो मैं वो शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। जिसके पास भी मेरी राइटिंग सेक्शन की बुक की थर्ड एडिशन है, फोर्थ एडिशन में भी एक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, मगर जिसके पास भी राइटिंग सेक्शन बुक की थर्ड एडिशन है, अगर वो लोग पेज नंबर 3109 में आएंगे तो उनको ये ऐसे दिखेगा, जेंडर बैलेंस इन द आर्म फोर्सेस। तो इमर्जेंस ऑफ, अगर ये क्वेश्चन जो है जो पूछा गया था सीएपीएफ पेपर 2 में, द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन और जेंडर बैलेंस ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, वुमेन सेंट्रिक क्वेश्चन इन द आर्म फोर्सेस, वही चीज मैंने भी पूछी है। तो जिसने भी ये बुक अच्छे से पढ़ी है तो ऑब्वियसली आपको इस एसे के कंटेंट से आपको बहुत मदद मिली होगी। चलिए अब हम ये वाला शुरू करते हैं, द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट सेकेंड एसे का जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि आप लोगों को जब 6 एस्से दिखते हैं तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि एस्से का चॉइस एकदम सही होना चाहिए, कि कौन सा आपको एस्से रखना है, कौन सा एस्से का आंसर आपको लिखना है, कौन सा एस्से का आंसर नहीं लिखना है, ये पहला काम करना है। तो चूज करने का तरीका क्या है, आप उन एस्से क्वेश्चंस को आप टोटली एलिमिनेट कर दो जो जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, टोटली अनफेमिलियर, क्रॉस कर दो उसको कि इस पे मैं नहीं लिखूंगा। फिर उसके बाद उस ऐसे क्वेश्चन को टोटली एलिमिनेट करो जो थोड़ा बहुत फेमिलियर है, एकदम हल्का सा, ठीक है। फिर बाकी जो 4 क्वेश्चन वो बच जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि 6 ऐसे क्वेश्चन में मेरे लिए 6 बचे हुए अनफेमिलियर, ऐसे केस में तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ने कुछ पढ़ा नहीं है, विदाउट प्रिपरेशन चले गए, तो उसमें तो कोई मदद वो खुद भी नहीं कर सकता, ना ही मैं कर सकती हूँ। मगर जो पढ़ लिख के एग्जाम दे रहा है उसके लिए ऐसा ही करना चाहिए, जो टोटली अनफेमिलियर तो उसको अपने जो रडार है उससे टोटली हटा दो, ठीक है, और जो थोड़ा बहुत फेमिलियर उसको भी हटा दो, जो बहुत फेमिलियर है उसको टिक करो और उसको उस पर आंसर लिखना शुरू करो। तो आंसर, ये पहला काम करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करना है कि आंसर लिखने के पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, उस ब्रेनस्टॉर्मिंग में इंट्रो और कंक्लूजन के बारे में कुछ बात सोचो। उस ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये आपको ये देखना है कि मेन बॉडी में कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए और मैं कैसा कंटेंट दूं जो ऐसे क्वेश्चन को पूरा का पूरा टोटली जस्टिफाई करे, ये काम करना है। तो ये काम करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन को समझना होगा, ठीक है। तो जो आप लोग जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप लोग कभी ये मत सोचना कि मैं ये भी इंक्लूड करूं, मैं वो भी इंक्लूड करूं, नहीं, आप सिर्फ 3 मोस्ट रेलिवेंट पॉइंट आप लो और उसको कैटेगराइज कर लो, 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर लो। फिर फर्स्ट पॉइंट को इलाबरेट करो, सेकंड पैरा, सेकंड पॉइंट को थर्ड पैरा, फोर्थ पॉइंट को नेक्स्ट पैरा, ऐसे करके इलाबरेट करके और फिर जाके कंक्लूड करना है, ठीक है। तो अब जैसे द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो मैंने आप लोगों को बोला क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले जो अननेसेसरी वर्ड्स है उसको आप अपने दिमाग से हटा दो, उसके लिए डिलीट कर दो, क्योंकि ना प्रॉब्लम क्या है कि ये वर्ड्स से ना ऐसे क्वेश्चन और लंबे हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमें समझने में बहुत परेशानी होती है। तो जितने ऐसे क्वेश्चन छोटा होगा उतना अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ड्स के हैं जिसमें मैंने द, ऑफ, इन, द ये सारा हटा दिया है, इमर्जिंग भी हटा दिया है, कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंस
विमेन का प्रेजेंस इंडियन आर्म फोर्सेस में, ये एक ही वर्ड है, इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन को अलग नहीं लेंगे, आर्म को अलग नहीं, फोर्सेस को अलग नहीं, और फिर विमेन, ये सेकंड, प्रेजेंस ऑफ विमेन ऑब्वियसली, तो हमारे पास दो ही चीज बचता है, वन एंड टू, विमेन आर्म फोर्सेस में, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर मैंने आपको बोला कि अब जब आप अननेसेसरी चीज हटा दिया, आपके पास दो ही चीज बाकी है, की कंपोनेंट्स बाकी है, दो या तीन की कंपोनेंट्स रह जाता है, तो उसमें से यू आइडेंटिफाई कौन सा आपका मेजर कंपोनेंट है और कौन सा आपका माइनर कंपोनेंट है। तो मैंने आप लोगों को बोला है माइनर कंपोनेंट वो है जो बहुत जनरल हो, और अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो ये ज्यादा वास्ट लगे, ये ज्यादा ब्रॉड लगे, ये इश्यू ज्यादा ब्रॉड लगे। तो इंडियन आर्म फोर्सेस आपका माइनर कंपोनेंट है, माइनर कंपोनेंट जो ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा वास्ट है। अब उसके अंदर विमेन, ये है आपका मेजर कंपोनेंट जो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टू इंडियन आर्म फोर्सेस। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये कम वास्ट है, कम ब्रॉड है, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर वेमेन, गॉट इट। तो वेमेन मेजर कंपोनेंट होगा और इंडियन आर्म फोर्सेस माइनर कंपोनेंट होगा। तो माइनर कंपोनेंट से आप अपना शुरू कर सकते हैं इंट्रो, और अगर आपको मेजर कंपोनेंट वुमेन से भी शुरू करना, वो भी कर सकते हैं, मगर वुमेन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस इससे कभी इंट्रो नहीं शुरू कर सकते। वुमेन इन जनरल के बारे में बता सकते हो, जेंडर डिस्पैरिटी से आप शुरू कर सकते हो, जेंडर बैलेंस से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ वुमेन आपको सेकेंड पैरा या इंट्रो के लास्ट लाइन से आप पूरा क्वेश्चन को एक्सपोज कर दोगे, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर कोटेड, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच विमेन हैव अचीव्ड। तो कहीं पे मैं इंडियन आर्म फोर्सेस नहीं लेकर आई, मैं विमेन इन जनरल के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैंने डॉक्टर अंबेडकर के कोटेशन से शुरू किया। कुछ कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम कोटेशन से ही शुरू करना ज्यादा अच्छा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोटेशन अगर आप लिखते हो, इट मस्ट बी वेरी मच रेलिवेंट टू द एसे क्वेश्चन। और दूसरा मतलब कि कोटेशन से ही एसे क्वेश्चन में, एसे के आंसर में ब्यूटी आएगी, ऐसा कुछ नहीं। बिना कोटेशन के भी आपके एसे में ब्यूटी आ सकती है। और अभी जैसे फोर्थ एडिशन की जो मेरी राइटिंग सेक्शन की बुक है, उसमें करीब 250 एसेज है, उसके आंसर है। उस 250 में मुझे लगता है सिर्फ 10 ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर है जिसमें मैंने कोटेशन दिया, इसके अलावा किसी ने नहीं दिया। येट द आंसर्स आर गुड, ओके। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस व्हिच वुमेन हैव अचीव्ड। ही चैंपियंड, डॉक्टर अंबेडकर चैंपियंड द कॉज ऑफ वुमेन एंड अर्ज वुमेन टू बी प्रोग्रेसिव एंड अबॉलिश ट्रेडिशनलिज्म, रिचुअलिज्म एंड कस्टमरी हैबिट्स। हिज विजन ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी With progressive women has come true when we see women are venturing into the male dominated fields like armed forces। यहां पे मैंने लास्ट लाइन में ऐसे क्वेश्चन को पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया, मेल डोमिनेटेड फील्ड्स लाइक आर्म फोर्सेज, वुमेन इन द आर्म फोर्सेज, गॉट इट। तो इंट्रो की लास्ट लाइन में भी आप एक्सपोज कर सकते हैं, मगर वेरी फर्स्ट लाइन में बिल्कुल नहीं कर सकते। इंडियन आर्म फोर्सेज अलाउड वुमेन इंडक्शन इन 1992 ऑन द शॉर्ट सर्विस कमीशन बेसिस। तो मैंने 1992 में वुमेन का इंडक्शन शुरू हो गया था। फिर उसके बाद वुमेन का जो रोल है, मैं थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री बता रही हूँ। ऑब्वियसली हिस्ट्री आप हर जगह नहीं बता सकते हो, मतलब अगर पूछा जा रहा है, जैसे मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था जेंटल पॉलिटिक्स ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा बायोग्राफी दे दिया, उस पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कैसे हुई, जन्म कहाँ हुआ, ये हिस्ट्री बताना शुरू कर दिया। मगर नहीं, क्वेश्चन क्या है, जेंटल पॉलिटिक्स, तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी का पॉलिटिक्स बताना, पॉलिटिक्स में भी जेंटल पॉलिटिक्स, बाकी पॉलिटिक्स नहीं, गॉट इट। तो जो भी आप लिखो दैट मस्ट बी रेलिवेंट टू द ऐसे क्वेश्चन। तो यहां पर मैं हिस्ट्री बता रही, 1992 में इंडक्शन शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वुमेन का जो रोल है आर्म फोर्सेस में इंक्रीज होना शुरू हो गया था। इंडियन एयरफोर्स
allowed women in fighter streams in 2015. A women officer badge has also got training for advanced fighter jet rifle in case of army. Captain Abhilasha Barak created history by becoming the first woman officer to join the Army Aviation Corps as a combat aviator. Such events have broken the stereotypes like being weak and emotional associated with women. Women ke liye bola jata hai weak hai, emotional hai, magar ye sab achievements se ye jo stereotypes image hai women ki wo break karna shuru ho gayi hai. On the same line, Supreme Court of India allowed women to get themselves enrolled in Rashtriya Indian Military schools and open the gates of NDA for the female cadets. They will get the regressive training for 3 years as their male counterparts. The SC Supreme Court also allowed women to get the permanent commission in the armed forces. It will provide them opportunity to get higher ranks. So, यहाँ पर first, second, अभी third पे. However, women, अब मैं थोड़ा सा negative बता रही हूँ, are not allowed in the, to join the infantry and armored corps. In the armed forces, combat roles are still male exclusive. This resistance is surprising given that Indian history has remarkable stories to tell of women in battle roles, jaise Rani Lakshmibai. To ab main content ka aapko batati hu. Content ko na bahut zyada messy mat karo, bahut kuch include karke. Ab jaise yahan par maine agar aap dekhoge 1992 liya, उसके बाद 2015 लिया, ठीक है, और ये तीसरा और यहां पर चौथा. इसको एक लाइन में मैंने, एक पैराग्राफ में मैंने बता दिया. उसके बाद मैंने यहां पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता दिया, ठीक है, कि परमानेंट कमीशन एनडीए, ये दो चीज बता दिया इसने. और यहां पर मैंने एक नेगेटिव पॉइंट यहां पर भी दे दिया कि कॉम्बैट रोल्स में वुमेन अलाउड नहीं है. और फिर मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रही हूँ, इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर वुमेन विल बी गिवन अ फार मोर एक्टिव रोल इन मिलिट्री फॉर्मेशन, बट देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वर्क येट टू बी डन टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द मिलिट्री एंड टू एंश्योर द एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज आर इक्विटेबल टू दोज ऑफ द मेन हु सर्व. इफ वी हैव जेंडर न्यूट्रल एंड स्किल स्पेसिफिक सिलेक्शन क्राइटेरिया टू द आर्म फोर्सेस, वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री. ठीक है, तो 331 वर्ड्स के हैं. मैं एक और ऐसे यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेती हूँ, बहुत इजी ऐसे है. ये है ऐसे 4, प्राइस राइज कॉज एंड इफेक्ट्स. ये सबसे स्ट्रेट ऐसे क्वेश्चन आज तक यूपीएससी पूछा है, इतना स्ट्रेट और इतना फ्लैट मैंने अभी तक नहीं देखा. जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड अगर आप लोग देखोगे तो ये सबसे इजीएस्ट ऐसे क्वेश्चन है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे स्कूल डेज में नहीं पूछा जाता था. डाउरी सिस्टम, कॉजेस, इफेक्ट्स, सॉल्यूशन, वैसे टाइप का. एनीवेज, बहुत सिंपल ऐसे क्वेश्चन है, इसमें मेजर माइनर कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं, साफ दिख रहा है. देखिए, प्राइस राइज, तो ये आपका प्राइस राइज माइनर कंपोनेंट है, ठीक है, और मेजर कंपोनेंट क्या है, कॉज एंड इफेक्ट. यानी प्राइस राइज के बारे में आपको सिर्फ बताना है कि क्यों हो रहा है और इसका प्रभाव क्या है, बस इसके अलावा और कुछ बात नहीं करनी है. फाइन, ठीक है. इंडियन इकोनॉमी, तो मैं ना, या तो मैं, ये माइनर कंपोनेंट है तो मैं प्राइस राइज से भी शुरू कर सकती हूँ. तो माइनर कॉम्पोनेंट जनरल होता है, तो और भी ब्रॉडर मैं ले सकती हूँ. तो मैंने इंडियन इकोनॉमी से शुरू किया. हैज विटनेस ऑल डिकेड हाई इन्फ्लेशन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर. प्राइस हैज क्रॉस द लिमिट, ये माइनर कॉम्पोनेंट है. अब मैं प्राइस हैज क्रॉस द लिमिट, यहाँ पे मैं बता रही हूँ प्राइस रेंज के बारे में, विच इज द लिमिट डिटरमाइंड बाय द आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी. नॉट ओनली सीपीआई हैज टच इतना इन्फ्लेशन फॉर कंसेक्यूटिव 3 quarters, बट ऑल्सो डब्ल्यूपीआई सोरिंग हाई एंड रीच 15%. इकोनॉमिक्स हैज गिवन वेरियस स्पेकुलेशन अबाउट द करंट प्राइस हाइक. तो ये मैंने यहाँ पर पूरा ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज किया, ठीक है. इन सिंपल इकोनॉमिक टर्म्स, राइजिंग प्राइस ऑफ एनी कमोडिटीज कॉज, अब मैं कॉज के बारे में बता रही हूँ, ड्यू टू ईदर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई. राइजिंग पॉपुलेशन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज आर द ब्रॉड रीजंस व्हिच आर एक्सेलरेटिंग डिमांड एंड लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट. तो या तो इंक्रीज इन डिमांड होगा या डिक्रीज इन सप्लाई होगा. राइजिंग पॉपुलेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से प्राइस राइज होती है. However, मगर जो करंट प्राइस है
वो दो ग्लोबल इवेंट्स की वजह से हो रहा है, एक कोविड की वजह से और एक रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। रिजल्टेंटली ग्लोबल सप्लाई चेन्स आर डिस्रप्टेड, कंट्रीज आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू इम्पोर्ट द कैपिटल गुड्स, दिस हैज लेड टू डिक्रीज इन द प्रोडक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्राइस ऑफ वेरियस आइटम्स इज राइजिंग। प्राइस इज ऑल्सो राइजिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर यील्ड इज डिक्रीजिंग अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ वेदर पैटर्न्स। तो यहाँ पर और रीजन बता रही हूँ कि एग्रीकल्चर यील्ड डिक्रीज हो रहा है, इंडिया विटनेस अ डिक्रीज इन वीट प्रोडक्शन इन करंट फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू हीट वेव्स, ड्यू टू प्राइस राइज द पुअर आर लैकिंग द एबिलिटी टू अफोर्ड इवन द बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड हेल्थ, दिस कॉज माल न्यूट्रिशन इन देम कॉजिंग सिवियर डैमेज टू डेमोग्राफिक एसेट। मोर ओवर हमें यहाँ पर इस पैराग्राफ में आप देखोगे, मैं यहाँ पर इफेक्ट बता रही हूँ, दिस कॉजेज माल न्यूट्रिशन इन देम कॉजिंग सीवियर डैमेज टू डेमोग्राफिक एसेट। तो माल न्यूट्रिशन होगा, प्राइस राइज होगा तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पुअर, तो माल न्यूट्रिशन हो सकता है। मोर ओवर डाइवर्जेंस ऑफ फंड्स इन फुलफिलिंग बेसिक नेसेसिटीज कॉजेज चिल्ड्रन टू ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल, एजुकेशन की प्रॉब्लम, राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी हैज आल्सो कॉज्ड डिस्ट्रप्शन इन लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री। फॉर इंस्टेंस पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट विच लेड टू फॉल ऑफ राजपा। राजपक्षा रेजिम to some, अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ, ओवर डिपेंडेंस ऑन द ग्लोबल सप्लाई चेन इज क्रिएटिंग हैवल फॉर द इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज, इंडिया नीड्स टू डेवलप इट्स डोमेस्टिक मार्केट्स ऑन द लाइन ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड इन्वेस्टमेंट इन R&D फॉर डेवलपिंग क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप्स वैरायटीज इज रिक्वायर्ड टू सेफगार्ड इकोनॉमी फ्रॉम द अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स लाइक वॉर, पेंडेमिक एंड क्लाइमेट चेंज। ओके तो स्टूडेंट्स, ये था ऐसे, और है ना मैं अनाउंस कर रही हूँ कल से मेरा राइटिंग सेशन का बैच शुरू हो रहा है, और साथ में राइटिंग सेशन के बैच में आपको अगर एनरोल होते हैं तो आपको राइटिंग सेशन की बुक भी मिलेगी, और वैसे चार बुक्स और भी है।